पापा क्या पतंग के लिए पैसे दो ना। कितने रुपए चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 100 रुपए। 100 रुपए? अरे क्या पूरी दुकान खरीदने जा रहे हैं क्या? जब मैं तेरी उम्र का था ना तो सिर्फ 2 रुपए लेके पतंग खरीदने जाता था, और उसी 2 रुपए में 100-100 की 5 पतंगे, 3-4 चरखड़ी, 100 मीटर सद्दी, 50 मीटर मांजा, 1 किलो गांजा, सुट्टा, दारू, हुक्का, मियाँ खलीफा की पिज्जा सीडी लेकर आ जाता था, और 1 रुपया बचा कर भी ले आता था। अच्छा ठीक है, ऐसी शक्ल मत बना, मैं अपने बाप की तरह कंजूस नहीं हूँ, मैं तुझे पूरे 10 रुपए दूंगा। ये ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। अनुराग तू इस बार पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा? अरे यार मेरे बाप ने मेरे को पैसे नहीं दिए यार। क्यों? वही तू इतना बड़ा हो गया, कब तक पतंग उड़ाएगा? अबे यार तू क्यों नहीं उड़ा रहा? आज तो 15 अगस्त है। अबे यार जॉब की बहुत टेंशन है, जॉब नहीं लग रही। पतंग पतंग पतंग। क्या कर रहे हैं? मांजा लपे ऐसे लपेटते हैं। ला दे, पढ़ने का मन नहीं है। ऐसे कैसे कर रहा है? तो यार वो दिखा के क्या यार? ऐसे कर रहा है, ऐसे देख। ये कौन? अबे ये क्या कर रहा है तू? अबे यार वो दिखा के क्या यार? अरे वो उसको ला दे इधर का। ये देख तो ऐसे पकड़। हाँ ऐसे कर, ये ऐसे 45 पे एंगल रहेगा और समझा? अच्छा ठीक है चल। अबे क्या कर रहा है? अरे थोड़ी ना करते हैं। एक सेकंड वो कुत्ते का बच्चा बोलते ऐसे कर, वो हरामखोर बोलते ऐसे कर, वो कुत्ता बोलता है कि गांड के नीचे बता ना, बता ना कहां जा रहे? अरे कोई पतंग नहीं है क्या? नहीं दिख दिख तो नहीं रही। अरे अरे लगा ले पेचे, पेचे लगा ले, पेचे वाले ये पेचे 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 लगाएगा तू? पेचे लगाएगा? आजा ए पेचे, आजा। देखते किसके पास ज्यादा धार है। अबे ओ ये पेचे की बात नहीं कर रहा मैं, पतंग वाले की बात कर रहा हूँ। चला ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत समझ गया। आजा मैं चला रहा था, मैं उड़ा रहा था साले। चल ना भाई पतंग उड़ाते। ओ क्या पतंग उड़ाते हैं, पहले मांझा तो सुलझा ले। ये ले। अबे यार ये मांझा फिर से उलझ गया, कितनी बार उलझता है यार ये। मैं यार मैं नहीं सुलझा रहा मांझा। क्या हो भाई नहीं सुलझा मांझा?
नहीं यार, कितनी बार उलझता है मांझा। भाई देख, जिंदगी, झांट और मांझा हमेशा उलझे रहते हैं, इनको बहुत ही केयरफुली सुलझाना पड़ता है। ये देख, सबसे पहले इसको ऐसे बाहर खींचेंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर 90 डिग्री के एंगल से इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, फिर 120 डिग्री के एंगल से इसको बाहर निकाल के चटखड़ी में डाल देंगे। चटखड़ी 90 मैच सीटा इक्वल टू मांझा स्क्वायर सीटा होता है। अब अगर इस मांझा स्क्वायर सीटा को हम डिवाइड करके 1045 से हमारे पास मांझा बचता है, वो जो मांझा है अब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, जिससे हमें एक पतंग मिल जाती है, जिसको अगर मैं 60 डिग्री के एंगल से शर्मा जी के लौंडे के मुंह पे मारता हूं तो उसके मुंह पे एक एक्स बन जाता है। वो जो एक्स है अब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू उड़ने वाली पतंग से, जिससे हमें 3-4 लूटी पतंगे मिल जाती है, जिसके साथ 50-60 मीटर ऊर्जा मांझा कॉन्स्टेंट आता है। अभी उलझे मांझे को हम एरिया ऑफ मांझे के फॉर्म में लौड़ा प्लस पतंग के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। मतलब तुझे अपने मांझे की हर गांठ को 144 डिग्री के एंगल से सुलझाना है, और अगर तू ऐसा करता है तो तेरा मांझा सुलझ जाएगा। ओके क्या कर रहे हो? चलो ना पतंग उड़ाने। अबे पबजी में बहुत मजा आता है यार। भाई तू चल ले। पागल है क्या? पता है इसमें घुसने वाला हूँ। चल माना भाई, इसमें बहुत मजा आता है, लेकिन याद करो वो पहले के दिन जब 15 अगस्त में हम पतंग उड़ाते थे, सुबह चले जाते थे और शाम तक नहीं आते थे घर वालों के बोलने पे भी। और पहुंचा एस पे, और तेरे को पता है भाई अपन जुलाई में कैसे चल जाते थे छत पे, और चरखड़ी और मांझे और पतंग इतने सारे लूट के लाते थे और फिर उड़ाते थे, कितना मजा आता था ना। ये मजा है इस गेम में, बात कर रहा है। जब पतंग कटती थी कितना खुशी होता था, और जब हमारी कटती थी कितना गम होता था। ये खुशी मिलती है इसमें? एक पहले का टाइम था जब 15 अगस्त से पहले आसमान भर जाते थे पतंगों से, और आज का टाइम है 15 अगस्त के दिन भी पबजी खेल रहे हैं। खेलते रहो, पहुंच जाओ इसको। सूरज, हम भी आ रहे हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।